हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे वायरी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज़ की। कल हमने चर्चा की थी कि लोअर सर्किट की चांसेस ज़्यादा है, यहाँ पर लग रहे हैं तेज़ी की संभावना कल जो है कम लग रही थी, गिरावट की संभावना ज़्यादा दिख रही थी। उसका हमने बात भी की थी क्वार्टर कल या परसों, एक्चुअली क्वार्टर फोर के जो रिजल्ट है वो साल दर साल अगर देखें ईयर ऑन ईयर जो है इसके रिजल्ट अच्छे आए थे, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखे तो वो रिजल्ट थोड़े से कमज़ोर लग रहे थे। इसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा था कि इसके अंदर जो है गिरावट की संभावना हो सकती है, क्योंकि एक चीज़ है कि इसके अंदर ऑलरेडी अच्छी खासी तेज़ी आ चुकी थी। डबल टॉप की सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है, 3000 के आसपास का हाई बनाया था। अब सपोर्ट और रजिस्टर क्या हो सकते हैं वो हम देखेंगे। अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है दोस्तों, तो सब्सक्राइब जरूर कर ले हमारे चैनल को। अगर आप डेली इसके ऊपर टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें और लाइक भी ज़रूर करें। यहाँ पर जो है आगे देखें उससे पहले यहाँ पर देख लेते हैं आज के कारोबार की बात। तो 66000 के आसपास की डिलीवरी उठी है, वॉल्यूम कम यहाँ पर दिख रहा है कहीं ना कहीं पिछले दिनों के मुकाबले। अब यहाँ पर ज़रा देखें 15 मिनट का चार्ट, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि और भी गिरावट की आशंका जो है संभावना दिख रही है, क्योंकि सवेरे ही इसके अंदर लोअर सर्किट लगा, तब थोड़ा सा वॉल्यूम था, उसके बाद पूरे दिन जो है ये मतलब कि संभलने की कोशिश ही नहीं की। एक थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे अगर होता तो ऐसा लग रहा था, तो ऐसा हो सकता था कि एक तेज़ी के चांसेस हो सकते थे, लेकिन ना तो वॉल्यूम दिखा पूरे दिन, ना तो मतलब कि थोड़ा भी ऊपर चढ़ने की कोशिश नहीं की, पूरे दिन लोअर सर्किट के ऊपर रहा। तो ऐसा इस वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि और भी गिरावट आने की जो है एक संभावना रह सकती है। कहाँ तक जा सकता है वो हम देख लेते हैं वीकली चार्ट के ऊपर। जब हम इसको देखते हैं तो आज के दिन 5 वीक का जो मूविंग एवरेज है वहाँ पर इसने मतलब कि वहाँ पर सपोर्ट तो नहीं कह सकते क्योंकि लोअर सर्किट के ऊपर था, लेकिन वहाँ पर इसने क्लोजिंग दी है। अब नेक्स्ट इसका जो सपोर्ट एरिया है वो 2200 रुपये के आसपास का दिख रहा है, वहाँ पर 9 हफ्ते का मूविंग एवरेज है और वहाँ पर कुछ और भी रीज़न से सपोर्ट दिख रहा है तो वो हम देखेंगे। उसके नीचे जो है 2000 रुपये के आसपास का जोन है तो वहाँ पर भी इसको सपोर्ट मिल सकता है। तेज़ी कहाँ पर आ सकती है वो भी हम देखेंगे, कौन से लेवल को पार करता है तो तेज़ी आ सकती है वो भी हम देखेंगे। फिलहाल जो है यहाँ पर बोलिंजर बैंड लगाया है डेली चार्ट के ऊपर, तो इसकी एक तो जो मिडिल लाइन है 2560, उसको अगर ये क्रॉस कर दे तब इसके अंदर जो है स्ट्रेंथ वापस आ सकती है, फिर तेज़ी जो है वापस आने की संभावना रह सकती है। तो इस लेवल के ऊपर आप नज़र बना के रख सकते हैं अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो। अगर इस शॉर्ट टर्म की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, जब तक इस लेवल को पार नहीं करता तब तक इसके अंदर गिरावट की संभावना रह सकती है। साथ साथ 2000 हमने क्यों यहाँ पर चर्चा की, तो 2000 के ऊपर यहाँ पर आप देखें तो इसकी बुलिंजर बैंक की निचली लाइन है। इन तीनों ही लाइन के अंदर डेली चेंजेस होते रहते हैं, तो अभी 2000 के आसपास का सपोर्ट दिख रहा है। थोड़ा सा दूर के सपोर्ट की बात करें तो उससे पहले 2200 रुपये के आसपास का लेवल है, वो क्यों दिख रहा है वो भी हम देखेंगे। यहाँ पर मंथली चार्ट हम देखें तो ये भी आप देख सकते हैं कि इसकी जो ऊपरी लाइन है इसके ऊपर अभी ये निकल चुका है, और बुलिंजर बैंड के ऊपर या नीचे, ये मंथली चार्ट है फिलहाल, लेकिन ऊपर और नीचे की अगर बात करें तो ज़्यादा दिन तक जो है ऐसी सिचुएशन नहीं बनी रह सकती ऐसा मुझे लग रहा है। कोई भी शेयर हो, डेली चार्ट हो, वीकली चार्ट हो या मंथली चार्ट हो, अभी ये ऊपर जो मतलब कि जो स्टॉक का प्राइस है इसकी कैंडल है वो ये ऊपरी लाइन बुलिंजर बैंड की और निचली लाइन उसके अंदर ही आ सकता है, ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रह सकता, चाहे नीचे के लेवल के ऊपर हो या ऊपर के लेवल। तो अभी यहाँ पर इसकी जो ऊपरी लाइन है 2000 के आसपास है, तो इस लेवल के आसपास आने की इसकी संभावना रह सकती है अगर गिरावट कंटिन्यू रहती है, जिसकी अभी संभावना दिख रही है। अब यहाँ पर देखें RSI तो 52 के आसपास है, तो अगर गिरावट आती भी है तो यहाँ पर अच्छा खासा अभी भी जगह है नीचे में, क्योंकि 30 के आसपास जब ये आता है तब ओवरसोल्ड जोन के पास पहुँचा ऐसा कह सकते हैं, और वहाँ से बाउंस बैक आने की संभावना रह सकती है, लेकिन अभी ये 52 के आसपास है। तो अब इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन हम देख लेते हैं। उससे पहले यहाँ पर आप देखें 2200 रुपये क्यों सपोर्ट दिख रहा है, एक तो हमने बात की कि वहाँ पर 9 हफ्ते का 9 वीक का मूविंग एवरेज है, साथ साथ एक जब ये चढ़ रहा था तब यहाँ पर एक बार इसने एक सर्किट टूटकर नीचे में आया और यहाँ पर सपोर्ट लिया था, वो जो कि 2200 रुपये के आसपास का लेवल है। मतलब कि ये जब अपर सर्किट के ऊपर था तब यहाँ पर एक जो है थोड़ा सा नीचे आया, उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट लिया, उसके बाद वापस से तेज़ी आने लगी, तो एक छोटा सा सपोर्ट ये भी बन सकता है। और जैसे कि हमने चर्चा की अभी ये 5 और 9 डेज का मूविंग एवरेज 2600 रुपये के आसपास है, लेकिन आने वाले समय में 2500 से 2600 तक आ सकता है। तो अगर इस लेवल को ये पार करता है, ये दोनों ही मूविंग एवरेज को वहाँ पर टिकता है, तब इसके अंदर जो है स्ट्रेंथ वापस आ सकती है, तब तेज़ी आने की संभावना रह सकती है, लेकिन तब तक या तो कंसोलिडेशन या तो प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू रह सकती है ऐसा लग रहा है यहाँ पर। तो 2435 का प्राइस है इसका। अब इसका सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन हम देख लेते हैं जो कि काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म की। तो पहला सपोर्ट एरिया जो कि अभी भी पिछली बार इसने यहाँ पर 2400 रुपये के आसपास का जोन जो है वहाँ पर अभी सपोर्ट लिया था, तो एक छोटा सा यहाँ पर एक मतलब कि एक आशा करके रख सकते हैं कि यहाँ पर ये कल के दिन सपोर्ट ले सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ये सपोर्ट ले सकता है क्योंकि अभी थोड़ा सा प्रेशर बना हुआ है। लेकिन फिर भी पहला सपोर्ट एरिया अगर देखें तो 2350 से 2400 रुपये के आसपास का जोन ये दिख रहा है नज़दीकी सपोर्ट, उसके बाद देखें तो 2200 रुपये के आसपास का जोन, और उसके बाद जो है 2000 का लेवल, तो ये इसके नज़दीकी एक शॉर्ट टर्म की बात करें तो सपोर्ट दिख रहा है। अब रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन 2550 से लेकर
2600 रुपये का जोन, अभी सिर्फ एक ही रजिस्टर यहाँ पर ये दिख रहा है, अगर इसके पार जाता है तब ये जो है 2800 से 3000 तक जाने की संभावना रह सकती है, जो कि इसने यहाँ पर हाई बनाया था। लेकिन ये पहला रजिस्टर, ये खास करके ये दोनों ही मूविंग एवरेज को पार कर दे तब इसके अंदर तेजी की संभावना रह सकती है, और इनके अंदर डेली चेंजेस होते रहते हैं। तो कल वापस से इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, अब कोई भी रेट ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है।